स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन। पूर्व महिला रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में मेडल से चूक गई थी। वो फाइनल में तो पहुंची लेकिन तय नियम से ज्यादा वजन होने के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब देश को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाले दिग्गज पहलवान ने उन पर निशाना साध दिया है। ये पहलवान कोई और नहीं, योगेश्वर दत्त है, जिन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट को देश से अब माफी मांगनी चाहिए। योगेश्वर ने आरोप लगाया कि विनेश फोगाट अपनी गलती की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई और उन्हें अब सबके सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। योगेश्वर दत्त ने हाल ही में कहा है कि विनेश फोगाट का ये अपना सच है, लेकिन देश को सच जानना बहुत जरूरी है। योगेश्वर दत्त ने आरोप लगाया कि विनेश ने देश की छवि खराब करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि विनेश फोगाट को ओलंपिक खेलों से निष्कासित होने के लिए सबके सामने आकर देश से माफी भी मांगनी चाहिए। उन्हें मानना चाहिए कि उनसे गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने इसके बजाय साजिश इसकी रच दी। देश के प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा दिए। विनेश ने देश में गलत माहौल भी बना दिया। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे कि विनेश के साथ कुछ गलत हो गया हो। अगर मैं विनेश की जगह होता तो देश से माफी मांगता। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में मेडल ना मिलने के बाद संन्यास ले लिया था। अब वो राजनीतिक मैदान में उतर चुकी हैं। वे हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई और अब वो हरियाणा विधानसभा में इस पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ रही हैं। विनेश को जुलाना से टिकट मिला है और इसके बाद से वो बीजेपी के खिलाफ लगातार जुबानी हमले भी बोल रही हैं। दूसरी ओर योगेश्वर दत्त भी कुश्ती से राजनीतिक दंगल में उतर आए हैं। ये खिलाड़ी बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है, लेकिन इस बार उनका टिकट ही कट गया है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।